हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईफोन 7 को एक नया सिक्योरिटी अपडेट लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया गया है एप्पल की तरफ से। अगर मैं इसको iOS 15.5 से अपडेट करता हूँ, जो कि पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन था जो कि आईफोन 7 के लिए, तो मुझे ये अपडेट का साइज़ देखने को मिलता है 362 MB, 362 MB के करीब इसका साइज़ है आईफोन 7 के लिए। 6S को भी, 6S प्लस को भी, SE, बाकी लेटर ऑन जितने भी डिवाइसेज आते हैं उन सभी को ये अपडेट रोल आउट किया गया है। सो डिवाइस के हिसाब से इसका साइज़ चेंज हो सकता है। बाकी एप्पल ने यहाँ पर कुछ भी एनहांसमेंट के अंदर कुछ भी यहाँ पर स्पेशली किसी एक टॉपिक पर फीचर्स यहाँ पर कुछ न्यू ऐड किया गया है, ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं किया है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या इसमें नया खास है। सबसे पहली चीज़, 11:21 पे मैंने इसको अपडेशन के ऊपर सेट किया था। सो मुझे जो है इसको इंस्टॉल करने में और इसको डाउनलोड करने में कम से कम 3 मिनट लगे डाउनलोड करने में, और बाकी इंस्टॉल करने में मुझे ऑलमोस्ट जो है 45 मिनट्स लगे हैं। सो बेसिकली गाइज, आपका जो आईफोन है वो 45 आपके मिनट्स कंज्यूम कर लेगा इंस्टॉल करते हुए। सबसे ज़्यादा टाइम प्रिपेयरिंग अपडेट में लगता है। बाकी स्टोरेज की चेक करें, स्पेस की बात करें, सो 28 GB पहले मेरी ऑक्यूपाइड थी, 128 GB वाला मेरा आईफोन है। और बाकी इसमें जो सिस्टम या iOS डेटा है वो आप देख सकते हो 8.19 GB का है, और सिस्टम डेटा जो है 8.64 GB का है। सो बेसिकली गाइज, ये स्टोरेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो ऑक्यूपाइड थी पहले 28 थी, अब अपडेट होने के बाद में चेक करते हैं कि कितनी हमें फ्री अप देखने को मिली है, हुई भी है कि नहीं हुई है। जनरल में चलते हैं, सबसे पहले अबाउट चेक करवाता हूँ। आप देख सकती हो 15.6 का मेरा अपडेट है, ये अपडेट मैंने कर लिया है। अब अवेलेबल स्टोरेज चेक करते हैं, पहले 28 थी, अब 28 से आप डायरेक्टली आप देख सकते हो कहाँ पर ये मुझे स्टोरेज, मुझे 28 GB में से पूरी की पूरी 8.5 GB मुझे फ्री होकर देखने को मिली है। और बाकी अभी मेरी रीसेंट डिलीटेड में भी काफ़ी सारी वीडियोस फोटोज़ हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप इसी फ़ोन को अपडेट करते हो जो कि आपका काफ़ी पुराना चल रहा है अपडेट, तो आपको जो है बहुत सारी स्टोरेज फ्री अप होकर देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं सिस्टम डेटा चेक करूँ तो 8 GB से डायरेक्टली 5 GB पर आ गया है। सो आपको जो है इस अपडेट को ज़रूर अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए, सॉरी, अगर आपको स्टोरेज फ्री चाहिए। अब बात करते हैं बिल्ड नंबर की। पहले से गाइस 15.5 से बिल्ड नंबर जो है चेंज हुआ है। अगर आप 15.6 के RC2 पर हैं, सो आपका बिल्ड नंबर चेंज नहीं होगा। वो डायरेक्टली आपको RC2 पर अपडेट ये शो भी नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्ड नंबर और ये बिल्ड नंबर एग्जैक्टली सेम है। सो अब बात करते हैं कुछ नई चीज़ों की जो कि इस फ़ोन में फिक्स की गई हैं। गाइज, यहाँ पर नया फीचर कुछ भी नहीं आया है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ हाईलाइट करवाना चाहूँगा। एप्पल ने कुछ फिक्स किए हैं कुछ एप्लीकेशंस में। सबसे पहले एप्पल टीवी में, पॉडकास्ट में, वॉलेट में। मेरे ख्याल से इंडियंस इन तीनों ही एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करते हैं। जो भी आप में से यूज़ करते हैं, जस्ट लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन। और आई डोंट नो वैसे इन तीनों एप्लीकेशंस में होता क्या है। बाकी एप्पल टीवी में इतना तो मुझे पता है कि कुछ जैसे टीवी शोज़ वगैरह होंगे। पॉडकास्ट में भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होगा। ओके, नो इश्यूज़, हमें कोई लेन देना नहीं है क्योंकि मैं इसे यूज़ ही नहीं करता हूँ। सेकेंडली गाइज, अब बात करते हैं आईफोन 6S, 7, 7 प्लस, 6S प्लस और आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या ये लास्ट अपडेट रहने वाला है 15 का। सो गाइज, ये चीज़ कहना काफ़ी मुश्किल है। बाकी इस चीज़ को प्रूफ भी हम ले सकते हैं, क्योंकि एप्पल ने अब सारा का सारा जो ध्यान है वो iOS 16 के ऊपर लेके जाना है। सो एप्पल जो है कोशिश कर रहा है कि इसको एक तरह से इन तीनों डिवाइसेस को, इन तीनों सीरीज़ को एक तरह से फाइनल सिक्योरिटी अपडेट दे दिया जाए, ताकि इनको सिक्योरिटी कंसर्न ना रहे। आप क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। क्या अगर चलकर एप्पल इन तीनों डिवाइसेस को 15.x का कोई और अपडेट देगा या नहीं देगा। सो आई थिंक सो कि अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न आगे चलकर आईफोन्स को मिलता है, सो एप्पल ज़रूर अपडेट रोल आउट करेगा इन तीनों कैटेगरीज़ को। बाकी ये चीज़ मैं इस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि आईफोन 6 और 5S अभी तक 12.5.5 का अपडेट रिसीव कर चुके हैं। नो डाउट उनको 13 तो नहीं मिलने वाला, लेकिन वो 12 पर ही अपडेट हो रहे हैं सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। सो आई होप सो गाइज, आपको ये आईफोन 7 का रिव्यू 15.6 पर जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैसी बैटरी परफॉर्मेंस है, कैसी हीटिंग है जो ज़्यादा गर्मी वाले कंडीशंस में भी, आपको मैं जल्द ही इसका रिव्यू अपलोड कर दूंगा। बाकी ये थी कि कुछ नई चेंजेस या फीचर्स या कोई बग्स जो 15.6 में हमें देखने को मिलने चाहिए,
इम्प्रूव्ड करके क्या 15.6 हमें इंस्टॉल करना भी चाहिए या नहीं, बिल्कुल करो इंस्टॉल। इसमें कुछ भी आपको गलत या फिर प्रॉब्लम जैसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी आपके फ़ोन में। आई होप सो गाइस, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।